हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विवेक है और आपका स्वागत है मेरे चैनल आर एस टेक विवेक में। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक के एग्जाम 2021 में फेल हो गए हैं तो वह निराश होने का कोई जरूरत नहीं, उसके लिए हम ये वीडियो स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। अगर आप मैट्रिक एग्जाम में फेल हो गए तो आपको निराश होने का कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए हम दो जेन्युइन तरीका लाए हैं जिसके जरिए आप 100% पास हो जाएंगे। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे विश्वास है तो आप 100% पास हो जाएंगे। आपको दो जेन्युइन तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप पास हो जाएंगे, तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पहला तरीका बताते हैं। पहला तरीका क्या होता है? स्क्रूटनी या चैलेंज। स्क्रूटनी या चैलेंज अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, आपको लगता था कि मैथ में मेरा 90+ आना चाहिए था लेकिन आपको 60 ही मिला, तो उसके लिए एक चैलेंज होता है जो कि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा नंबर कम क्यों है। हाँ, तो उसका फिर दोबारा कॉपी जांच होता है, दोबारा जांच होता है, जो आपका एक्चुअल नंबर होता है वो एक्चुअल नंबर मिलता है। तो स्क्रूटनी या चैलेंज का यही होता है कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉपी को दोबारा जांच किया जाएगा। और दूसरा होता है कंपार्टमेंट वाले। कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, अगर आप दो विषय, एक या दो विषय से फेल हो गए हैं या एक या दो विषय एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आप दोबारा सिर्फ दो ही विषय का एग्जाम देके पास हो सकते हैं, जैसे कि कंपार्टमेंटल एग्जाम कहते हैं। इसका एक महीने के बाद एग्जाम होता है, तो कंपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा भी आप पास हो सकते हैं। अगर आप दो विषय, एक या दो विषय में फेल हो गए हैं या एग्जाम नहीं दे पाए तो आप सिर्फ दो ही विषय या एक विषय का एग्जाम देके पास हो सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। इसमें कोई भी मार्कशीट में कोई उतना अंतर नहीं होता, तो आप इन दो जेन्युइन तरीके से पास हो सकते हैं। तो पहला हो गया स्क्रूटनी या चैलेंज, जिसमें कि आप अपने नंबर से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। और दूसरा होता है कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो दूसरा होता है कंपार्टमेंटल, जिसमें कि एक या दो विषय से अगर फेल हो गए या एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो दोबारा एग्जाम देके आप सिर्फ उसी विषय का, इस उसी सिर्फ दो विषय का एग्जाम देके पास हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ स्क्रूटनी का अभी डेट आया है, कंपार्टमेंटल का डेट नहीं आया है। तो स्क्रूटनी का कब से, इसको चैलेंज कब से होगा, कौन सा वेबसाइट होगा, कितना पैसा लगेगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और अभी कंपार्टमेंट एग्जाम का अभी डेट नहीं आया है, तो उसका जैसे ही डेट आता है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बताएंगे कि चैलेंज कैसे कर सकते हैं, कौन से वेबसाइट पर कर सकते हैं जिससे आपका नंबर बढ़ जाए। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। बिहार बोर्ड ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर, जो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर यह पोस्ट किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने उस विषय की उत्तर पुस्तिका के लिए स्क्रूटनी हेतु वेबसाइट http://bihar.online.bihar.gov.in पर दिनांक 11/4/2021 से 17/4 तक की अवधि में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रूटनी या चैलेंज का डेट यहाँ पे दिया गया है, 11 से लेकर 17 तक आप स्क्रूटनी या चैलेंज के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.online.bihar.gov.in पे जाकर आप ऑनलाइन इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ₹70 पर विषय लगेगा। ₹70 पर विषय की दर से आपका कॉपी जांच होगा। अगर आप मान के चलिए आप दो विषय में फेल हैं तो आपको दो विषय का स्क्रूटनी कराना है तो आपको ₹70 × 140 लगेगा। तो आप जितना सब्जेक्ट का ऑनलाइन कराना चाहते हैं आपको ₹70 पर विषय का लगेगा। तो आप अगर इसके लिए इच्छुक हैं, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि मेरा इतना लिखे लेकिन हमको कम ही नंबर मिले, तो आप इसके लिए स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो 11 से स्क्रूटनी शुरू हो जाएगा, 11 से 17 तक आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं, आप पर विषय ₹70 लगेगा, तो इसके लिए आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो जिस दिन स्क्रूटनी स्टार्ट होगा हम उस वीडियो में बताएंगे कि आप स्क्रूटनी किस तरह से कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इन सारे चीज़ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और स्क्रूटनी के लिए आप अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो स्क्रूटनी के लिए ज़रूर चैलेंज कीजिए। अगर आपको अपने विश्वास है तो आप स्क्रूटनी के लिए कर सकते हैं, आपका नंबर बढ़ेगा अगर आप एक्चुअल में नंबर लिखे हैं, एक्चुअल में आपका नंबर है तो एक्चुअल बढ़ेगा। तो ये 11 से 17 तक स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही कंपार्टमेंटल का डेट आता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम का डेट आता है, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी आप तैयार हो जाइए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि कंपार्टमेंटल का एग्जाम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।